हेलो गेमर्स और टेक लवर, क्या आप लोग भी तलाश कर रहे हैं एक ग्राफिक्स कार्ड की? और मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड का पहाड़ लगा हुआ है, 5000 से लाखों तक की ग्राफिक्स कार्ड ही ग्राफिक्स कार्ड। तो क्या आप भी दुविधा में हो कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लिया जाए जो कि बजट फ्रेंडली भी हो, साथ ही साथ आपका काम भी निकल जाए पूरी तरीके से? तो इसके लिए आपको भी जानना जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं ग्राफिक्स कार्ड में जिसको देखना जरूरी है, जिसके चलते आप चुन पाओगे एक बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड अपने लिए, और वो भी अपने बजट में। क्योंकि हर कोई अपना ज्ञान पेलता जा रहा है और ये ग्राफिक्स कार्ड ले लो, ये ग्राफिक्स कार्ड ले लो, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप खुद कैसे जज करोगे कौन सा ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है? क्योंकि लोग तो चूना लगा सकते हैं ना, और इसीलिए आप सही जगह पे हो कि आप चुन सकते हो अपने लिए एक बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड। और साथ इस वीडियो के एंड में आपके बजट के हिसाब से मैं बजट को कैटेगराइज करके बताऊंगा सबसे बेस्ट कार्ड जिनको आप खरीद सकते हो अपने बजट सेगमेंट में। अगर आप लो बजट चाहते हो, अगर आप हाई बजट चाहते हो, या फिर आप एक मिड रेंज का ग्राफिक्स कार्ड चाहते हो, तो उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा और सबसे बेस्ट कार्ड उनके मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि एक ग्राफिक्स कार्ड में हमको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो अगर आप सबसे पहली बार एक ग्राफिक्स कार्ड खरीदने जा रहे होगे तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी कि उसमें कौन सा स्लॉट है, साथ ही साथ उसमें कौन सी वी रैम है, और ग्राफिक्स कार्ड कितने जीबी का लेना चाहिए। तो मैं बात करूंगा उन्हीं बेसिक चीजों की जो आपको देखने की ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले जानते हैं कार्ड्स की वी रैम को, जो आपने सुना होगा 2GB कार्ड, 4GB कार्ड, या फिर 8GB कार्ड, या फिर 12GB कार्ड, या फिर उससे ऊपर भी कार्ड्स आते हैं। तो आखिर क्या होती है ये वी रैम ग्राफिक्स कार्ड में? दोस्तों, जितनी ज्यादा वी रैम उतना बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा बड़े गेम्स में या फिर कई और चीजों में। लेकिन ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो है GDDR, जिसकी बात हम आगे करेंगे कि इस पर भी कैसे वी रैम डिपेंड करती है। दोस्तों, वी रैम एक रेगुलर रैम की तरह ही होती है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में एक रैम होती है। लेकिन जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर ये वी रैम होती है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स के लिए होती है, यानी कि ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए होती है। जैसे कंप्यूटर की नॉर्मल रैम कंप्यूटर के सारे काम करती है, वैसे ग्राफिक्स कार्ड की जो वी रैम होती है वो सिर्फ ग्राफिक्स को संभालती है और उसकी प्रोसेसिंग में मदद करती है। जनरली बात करें, आज के दौर पर फुल HD गेम्स खेलने के लिए आपको कहीं ना कहीं 4GB की रैम तो चाहिए चाहिए, और अगर वो गेम्स पुराने हैं तो आपको करीबन 2GB वी रैम चाहिए ही चाहिए। ये एक नॉर्मल अंदाजा है। और अगर आपको 4K या उससे हाई एंड पर जाना है तो आपको 6GB या फिर उसके ऊपर की वी रैम के ग्राफिक्स कार्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक वी रैम काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है कि आप कितने रेजोल्यूशन पर गेम खेलने वाले हो। तो बात करते हैं GDDR की, जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि ये GDDR कैसे डिपेंड करता है स्पीड पर और कैसे GDDR अफेक्ट करता है एक ग्राफिक्स कार्ड की वी रैम को। दोस्तों, आपने ग्राफिक्स कार्ड पर जरूर देखा होगा GDDR5 या फिर GDDR4 या फिर GDDR3, और इस GDDR का फुल फॉर्म है ग्राफिक डबल डेटा रेट। दोस्तों, ये GDDR एक तरह की वी रैम की कैटेगरी है जो कि होती है ग्राफिक्स कार्ड के GPU में, और ये नंबर है अभी 1 से लेकर 6 तक, यानी कि GDDR1 से लेकर GDDR6 तक की आपको ग्राफिक्स कार्ड अभी देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। और इस GDDR का सीधा मतलब डेटा से है कि कितनी तेजी से ये डेटा को प्रोसेस करेगा। जितना ज्यादा GDDR का नंबर होगा उतना तेजी और एफिशिएंट तरीके से ये ग्राफिक्स कार्ड काम करेगा, यानी कि GDDR1 बहुत स्लो काम करेगा और काफी कम एफिशिएंट होगा और काफी धीरे धीरे डेटा ट्रांसफर करेगा। वहीं GDDR6 काफी फास्टली डेटा ट्रांसफर करेगा और GPU में जल्दी प्रोसेस होकर चीज निकलेगी भी। तो कहीं ना कहीं इस GDDR का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि कैसा वर्क करेगा आपका ग्राफिक्स कार्ड। GDDR6 कार्ड सबसे लेटेस्ट हैं और सबसे ज्यादा महंगे आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। वहीं GDDR5 थोड़ा सस्ता है उससे, लेकिन उससे कम परफॉर्मेंस देता है। और वहीं GDDR4 और GDDR3 भी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, लेकिन उन पर अभी के टाइम पर आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है एक GDDR नंबर पर। तो खरीदने से पहले ध्यान रखें कि अगर 2GB का भी ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हैं तो कम से कम वो GDDR5 या फिर GDDR6 का ग्राफिक्स कार्ड हो, उससे नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर आप एक सबसे पहली बार ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हो और आपने इसके पहले कभी ग्राफिक्स कार्ड यूज ही नहीं किया, तो आपको एक प्रॉब्लम जरूर आई होगी कि कौन सा स्लॉट है जिसके लिए कौन सा ग्राफिक्स कार्ड हम ले, और ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि किस स्लॉट में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगने वाला है। आज से 10 या 15 साल पहले स्लॉट्स अलग आते थे, लेकिन अब जो मदरबोर्ड है उनमें सब में एक जैसे स्लॉट्स आते हैं जो कि ग्राफिक्स कार्ड में लगेंगे, और वो स्लॉट होता है PCI एक्सप्रेस स्लॉट। और ये आपको हर मदरबोर्ड में सेम तरीके का स्लॉट दिखेगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और इसी को बोलते हैं PCI स्लॉट, और इसी में एक ग्राफिक्स कार्ड लगता है जो कि आपके मदरबोर्ड पर दिखेगा आपको डेफिनेटली, चाहे आपका मदरबोर्ड
अभी कितना भी पुराना हो, लेकिन बहुत पुराने मदरबोर्ड में शायद ना हो, लेकिन जो मदरबोर्ड है, जो सस्ते से सस्ता मदरबोर्ड है, आपको वहाँ पर भी ऐसा ही PCIe स्लॉट देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक सस्ते मदरबोर्ड में इसकी कम जनरेशन का PCIe स्लॉट होता है, और एक महंगे में वो ज़्यादा जनरेशन का PCIe स्लॉट होता है। लेकिन आपके ग्राफिक्स कार्ड जो भी लेंगे वो फिट ज़रूर हो जाएंगे उस स्लॉट में, यानी कि हर स्लॉट में ग्राफिक्स कार्ड तो फिट हो जाएगा। लेकिन ये PCIe स्लॉट तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, PCIe जनरेशन 1, PCIe जनरेशन 2 और PCIe जनरेशन 3। यानी PCIe जनरेशन 1 सबसे पहले का स्लॉट है, PCIe 2 सेकंड जनरेशन का स्लॉट है, साथ ही PCIe 3 थर्ड जनरेशन का स्लॉट है और ज़्यादा फास्टर है। लेकिन ये तीनों ही तरीके के स्लॉट तो एक ही हैं, लेकिन आपका मदरबोर्ड कौन सा PCIe स्लॉट यूज़ कर रहा है ये आपके मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशन में ही दिया होगा। ये आपको ही अपने मदरबोर्ड के नंबर को डालकर देखना पड़ेगा कि आपका मदरबोर्ड कौन सा PCIe एक्सप्रेस स्लॉट सपोर्ट करता है, जनरेशन 1, जनरेशन 2 या फिर जनरेशन 3। तो मान लेते हैं कि आपका कंप्यूटर है PCIe 2 स्लॉट का, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड कौन सा लेना पड़ेगा। दोस्तों, आप PCIe 2 स्लॉट में तीनों ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, चाहे वो PCIe 1 को सपोर्ट करता हो, PCIe 2 को सपोर्ट करता हो या फिर वो PCIe 3 को सपोर्ट करता हो, लग तो तीनों ही कार्ड जाएंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो ड्राइवर्स आते हैं कार्ड के साथ वो उसी स्लॉट के आएंगे जो कि उस डिब्बे पर लिखा होगा। तो इसीलिए सबसे पहली कोशिश ये करें कि स्लॉट की PCIe जनरेशन को देख ले और कार्ड की PCIe जनरेशन को देखे और उसके हिसाब से कार्ड ले, वो कितनी भी VRAM का हो या फिर वो कोई भी GDDR का हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो CPU है क्या वो एक बड़े फॉर्म फैक्टर का है और बड़ा कार्ड डालने की उसमें जगह है, क्योंकि मदरबोर्ड में तो स्लॉट है, लेकिन अगर आपके CPU के कैबिनेट में ही जगह नहीं है तो आप उस ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ ही नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, जो आपके कुछ बड़े कार्ड्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है जो कि वो कंज्यूम करेंगे उस ग्राफिक्स कार्ड को चलाने के लिए, जो कि 12GB या एवफ के कार्ड में आपको देखने को मिलेगा, कई 6GB के कार्ड में भी आपको एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ती है। तो आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको एक्स्ट्रा पावर अगर देनी है तो कहीं ना कहीं आपका पावर सप्लाई भी एक हैवी पावर सप्लाई होनी चाहिए जो कि उसको पावर सफिशेंट पहुंचा पाए। अब जो चौथी चीज़ जो हम ग्राफिक्स कार्ड यानी कि GPU पर देखते हैं वो होती है कोर क्लॉक स्पीड, और ये काफ़ी ज़्यादा मिसलीड करती है हम सभी को एक ग्राफिक्स कार्ड में। जी हाँ, इससे हम बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं और एक गलत ग्राफिक कार्ड खरीद लेते हैं कोर क्लॉक स्पीड को देखकर, क्योंकि हमको लगता है कि जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ज़्यादा ये बेटर परफॉर्म करेगा, तो हम ज़्यादा क्लॉक स्पीड वाला क्यों ना CPU लें। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एक GPU का आर्किटेक्चर क्या है, यानी कि कितना पुराना एक GPU है। और आप इसको ईजिली ऐसे समझ सकते हो कि एक बिल्डिंग है, मान लो उसमें एक रूम है जिसका रास्ता एक सीधा गया, तो सीधा रास्ता कहीं ना कहीं आपको जल्दी उस रूम तक पहुँचाएगा। वही एक रास्ता है जो कि पूरा घूम कर जाता है और उसके बाद आपको रूम में एंटर कराता है, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता आपको काफ़ी लंबा पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो कुछ ऐसा ही काम करता है एक आर्किटेक्चर, यानी कि अगर आपके पास एक पुराना GPU जो कि ओल्ड आर्किटेक्चर पर है तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी घटिया परफॉर्म करेगा, और जो एक नया GPU होगा वो एक नए आर्किटेक्चर पर होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी क्लॉक स्पीड भले ही कम हो लेकिन वो कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करेगा उस पुराने GPU से। तो इसीलिए प्रीफर ये करो कि एक नए आर्किटेक्चर वाला GPU लो, यानी कि नया लॉन्च GPU लो, ना कि आप एक ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाला एक पुराना GPU लो जिसकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी भले उसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा हो। यानी कि आप अगर एक GPU ले रहे हो तो आप उसको कैटेगराइज कर लो कि अगर एक पुराना आर्किटेक्चर का GPU है तो उनको एक कैटेगरी में रखो, और जो एक नए GPUs हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखो। तो जो नए कैटेगरीज में हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा क्लॉक स्पीड का होगा वो सबसे बेटर परफॉर्म करेगा, और जो इसमें से पुराने ओल्ड आर्किटेक्चर में होगा उसमें से जो सबसे ज़्यादा क्लॉक स्पीड का होगा वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन आप इन दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक नया आर्किटेक्चर ज़्यादा बेटर होगा एक पुराने आर्किटेक्चर से। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको ईजी बना देगी कि आपको कौन सा GPU लेना चाहिए और कौन सी क्लॉक स्पीड का GPU आपका बेटर है। और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अगर आप एक GPU यानी कि ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हो, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। जो एक लास्ट टर्म आता है वो है आर्किटेक्चर, और जिसकी बात मैंने पहले भी कर दी कि एक आर्किटेक्चर मतलब होता है कि एक GPU की कोर फाउंडेशन कैसी है, वो किस आधार पर बना है, और इस आर्किटेक्चर पर फुल्ली तरीके से डिपेंड करता है एक GPU कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं उन ग्राफिक्स कार्ड की जो कि अपनी कैटेगरी में ज़्यादा बेटर है, यानी अगर आपको खरीदना है एक लो बजट का ग्राफिक्स कार्ड या फिर एक मीडियम बजट का ग्राफिक्स कार्ड या फिर एक हाई बजट का ग्राफिक्स कार्ड, तो मैं बताता हूँ कि कौन से ग्राफिक्स कार्ड हैं जो कि आपके लिए हो सकते हैं बेस्ट आपके बजट में। साथ ही आपको इन ग्राफिक्स कार्ड को डायरेक्ट खरीदने के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्टली जाकर वहाँ से खरीद सकते हो ऑनलाइन। तो पहले बात करते हैं कुछ लो बजट के ग्राफिक्स कार्ड जो कि आप खरीद सकते हो।
तो सबसे पहले बात करते हैं एक बिल्कुल लो बजट ग्राफिक्स कार्ड की, जिस पर आप GTA 5 जैसे गेम भी कम फ्रेम रेट पर खेल सकते हो, जो कि है GT 730 ग्राफिक्स कार्ड। और ये 2GB का ग्राफिक्स कार्ड है जिसकी 2GB VRAM है, साथ ही साथ ये DDR5 बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड है, तो इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा 4000 से लेकर 5000 की रेंज के बीच में, क्योंकि ये प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसीलिए 4000 से 5000 के बीच में आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल लो बजट ग्राफिक्स कार्ड है। लेकिन अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ग्राफिक्स कार्ड ले लो GT 1030, जिसमें 2GB आपको VRAM मिल जाएगी, साथ ही साथ वो DDR5 बेस ग्राफिक्स कार्ड भी है। लेकिन ये कार्ड ज़्यादा बेटर है और ये आपको मिल जाएगा 7000 से 8000 की रेंज में करीबन, और इसे बटर एक ग्राफिक्स कार्ड है जो कि एक लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया की तरफ से, जो कि RTX सीरीज का एक ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि एक क्वाड T400 जो कि करीबन 14000 रुपए तक आपका जा सकता है, और जो कि 2GB VRAM के साथ आता है। लेकिन ये एक DDR6 बेस का ग्राफिक्स कार्ड है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि आपको लो बजट वाली फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन इसका प्राइस भी थोड़ा लो बजट से ज़्यादा ही है। लेकिन ये आपको बहुत बेहतरीन फ्रेम रेट्स देगा, GTA 5 में आपको इससे 100 FPS भी मिल जाएंगे आराम से, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगी और गेमिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको जो भी खरीदना हो अपने बजट के हिसाब से इस लो बजट की कैटेगरी में आप खरीद सकते हो। तो बात करते हैं मीडियम रेंज की ग्राफिक्स कार्ड की, जिसमें है एनवीडिया का 1650, जो कि आता है DDR6 की 4GB VRAM के साथ, और इसमें आपको मिलेंगे 2 फैन, तो कहीं ना कहीं कूलिंग ज़्यादा बेटर रहेगी आपके ग्राफिक्स कार्ड की, और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी और बॉटलनेक नहीं करेगा आपका ग्राफिक्स कार्ड, और आप हाई सेटिंग पर कहीं ना कहीं 1080p तक गेम खेल सकते हो। लेकिन ये ग्राफिक्स कार्ड मुझे नहीं लगता एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड कहीं ना कहीं पहले आता था 14000 तक, लेकिन आज इसकी प्राइस कहीं ना कहीं 20000 तक है, तो आपको कम रेंज में अगर इससे मिल जाता है तो आप ज़रूर ले सकते हो, एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है तो मत लो इस ग्राफिक्स कार्ड को, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पर इसके प्राइस कम हो जाए। ये ग्राफिक्स कार्ड DDR6 पे इसीलिए लेटेस्ट है और काफ़ी अच्छी आपको स्पीड देने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप इस पे स्विच कर सकते हो अगर आप एक मीडियम लेवल का ग्राफिक्स कार्ड ढूंढ रहे हो तो। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप अपने बजट को 30 से 35 हज़ार के बीच में ले जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन, जो कि है एनवीडिया का RTX 3050। ये ग्राफिक्स कार्ड है 8GB VRAM वाला, साथ ही साथ लेटेस्ट DDR6 के साथ, तो एक RTX कार्ड है तो आप कहीं ना कहीं इसमें रे ट्रेसिंग भी देखने को मिलेगी और ऐसे कूल फीचर आपको देखने को मिलेंगे, तो एक ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी बेटर है। इसमें टेंसर कोर भी है और हाई सेटिंग में कहीं ना कहीं आप एक अच्छे फ्रेम रेट आप इस ग्राफिक्स कार्ड पर ले सकते हो अगर आपका बजट 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में है। तो जो लेटेस्ट प्राइस अगर आपको जानना है तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक पर क्लिक करो, और अभी का लेटेस्ट प्राइस आप इन GPUs के देख सकते हो सभी के। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लेटेस्ट प्राइस देखने हो तो लिंक के नीचे जाके क्लिक करो और आप लेटेस्ट प्राइस देख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये 30 हज़ार से 35 हज़ार तक घूमता हुआ दिख जाता है। लेकिन ये सबसे बेस्ट कार्ड है सभी ऑल न्यू फीचर्स के साथ, साथ ही साथ सारी ही चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं मिड रेंज में एक बादशाह ग्राफिक्स कार्ड है जो कि आपको हर गेम बहुत बेहतरीन खिला देगा। और अगर आपका बजट इससे भी ज़्यादा है 40 से 45 हज़ार तक, तो कहीं ना कहीं आप इससे अच्छा ग्राफिक्स कार्ड भी खरीद सकते हो, जो कि है 8600, जो कि 8GB का ही एक वेरियंट है जो आपको देखने को मिल जाएगा, और उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, जो कि करीबन 50 हज़ार तक जा सकता है। और आपको 1080p के ऊपर की अगर गेमिंग करनी है तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर चूज़ करना, और आपको 1080p के नीचे ही रहना है और 4K तक नहीं जाना है तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड को नहीं लो, इससे अच्छा है कि आप इसके ऊपर वाला ग्राफिक्स कार्ड चूज़ कर लो। अब हाई एंड की बात करो, जो कि काफ़ी कम लोग चूज़ करते हैं, एक हैवी एडिटर या फिर एक बहुत बड़े बड़े गेम खेलने वाले लोग यूज़ करते हैं, तो एक हाई एंड में एक आपको सबसे चीप जो कार्ड मिलेगा वो है एक RX 6600 XT कार्ड, जो कि ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा और 2K तक की गेमिंग आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ग्राफिक्स कार्ड पर कर सकते हो, जो करीबन आपको 60 से 70 हज़ार के बीच में पड़ेगा और फ्लक्चुएट करता रहता है। और अगर आपका बजट इससे भी ज़्यादा ऊपर है 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख 10 हज़ार तक है, तो वहाँ पर आप खरीद सकते हो RTX 3080, जो कि 10GB VRAM के साथ आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ उसमें लेटेस्ट GDDR6 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बेटर परफॉर्मेंस देने वाला और सभी नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस कार्ड में। तो यही सारे लो एंड से लेकर हाई एंड के बजट के कार्ड हैं, तो आपको जो भी कार्ड आपके बजट रेंज में सही लगता है आप जाकर उसको खरीद सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फटाफट से जाके इनके प्राइस चेक कर सकते हैं और जाके अपना ग्राफिक्स कार्ड चूज़ करके खरीद सकते हैं Amazon और Flipkart जैसी साइट से।
तो आपको कैसे लगी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन? आप ग्राफिक्स कार्ड में बहुत कुछ शायद जान गए होंगे और अपने मन से और अपने हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड चूज कर सकते हो कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा बेटर है। कोई भी दुकानदार आपको अब छूना नहीं लगा सकता है, तो इन चीजों को देख लें और उसके बाद ही ग्राफिक्स कार्ड को लेने जाएं। साथ ही अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो और कई और टेक्नोलॉजी व्लॉग और गेमिंग आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पर। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।